बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। लोकसभा के सेशन की आज से हुई शुरुआत, क्वेश्चन आवर खत्म करने पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद, असदुद्दीन ओवैसी ने आज के दिन को बताया शर्मनाक। MIM MLA जाफर हुसैन मेराज पाए गए कोरोना पॉजिटिव, राब्ते में आने वाले तमाम से की टेस्ट करवाने की अपील, असदुद्दीन ओवैसी ने भी जल्द सेहतियाबी के लिए की दुआ। अहमद पाशा कादरी ने माजूरीन, ओल्ड एज और बेवाओं के लिए पेंशन की इजराई का असेंबली में उठाया मुद्दा, कहा लॉकडाउन के सबब कई दरख्वास्तें हैं पेंडिंग। अहमद बलाला ने असेंबली में ओल्ड सिटी में पुलिस स्टेशन के तामीराती कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने का किया मुतालबा, होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने जल्द कदम उठाने की कराई यकीन दहानी। मनीकोंडा के माउंट लिटेरा जी स्कूल के खिलाफ टॉलीवुड एक्टर शिवाजी बालाजी ने दर्ज कराई शिकायत, ह्यूमन राइट्स कमीशन पहुंचकर कहा स्कूल वसूल कर रहा है भारी फीस। और टीवी एक्ट्रेस रवानी सुसाइड केस में पुलिस ने दो अफराद को किया गिरफ्तार, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी मजीद जानकारी। पेश है खबरों की तफसील। आज से लोकसभा का सेशन शुरू हुआ है, मरकजी हुकूमत ने क्वेश्चन आवर को खत्म किया है जिस पर कई अपोजिशन पार्टियों ने एतराज जाहिर किया, तो वहीं MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आज के दिन को शर्मनाक दिन करार दिया। पीर को पार्लियामेंट का इजलास कोरोना वबा यमराज के दरमियान शुरू हुआ है, जैसे ही इजलास शुरू हुआ अपोजिशन ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर का मामला उठाया। इस दौरान AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्वेश्चन आवर और प्राइवेट मेंबर बिल का सस्पेंशन गैर मुनसिफाना है और ये पार्लियामानी निज़ाम के लिए ख़तरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को लेकर कहा कि ये बेहद अफसोसनाक बात है। इन्होंने आज के दिन को शर्मनाक दिन भी करार दिया। सर, the question hour and private business are cornerstone of our democracy and it is very much essential for the existence of parliamentary democracy. Question hour and private members bill are also part of theory of separation of powers. The honorable minister has a dishonorable distinction by moving such a motion. He is weakening the theory of separation of powers, which is part of a basic structure of a constitution. I urge you, speaker, not to allow the executive to encroach on the territory of the legislature. It is a shameful day if question hour and private business is not taken up. No. Sir, lastly, sir, I request you that on behalf of my party, I'm asking for division, sir. There should be a division on this, sir. तेलंगाना के वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने असेंबली को बताया कि रियासत में KCR किट्स स्कीम से 11,91,272 खानदानों को ताहाल फायदा पहुंचा। उन्होंने वक्फे सवालात के दौरान ऐवान में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि KCR किट्स स्कीम को मुतारिफ करने के बाद रियासत में सरकारी अस्पतालों में जजगियों की तादाद में इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज्म व नस्क व शहरी तरक्की के तारक रामा राव ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC लिमिट्स की 137 लिंक्स रोड्स की तरक्की का काम 1,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इन सड़कों को तरक्की देने का काम हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HRDCL नामी इदारे के तहत किया जा रहा है। इस इदारे का क्याम दारालहुकूमत के इलाके में सड़कों की तरक्की के लिए अमल में लाया गया है।
तेलंगाना के एक और रुकन असम्बली के कोरोना से मुतासर होने की खबर है। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली से MIM MLA जाफर हुसैन मेराज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बता दें कि जाफर हुसैन मेराज 3 दिन पहले ही तेलंगाना असम्बली में शरीक रहे थे। असम्बली स्पीकर की हिदायत पर अरकान असम्बली, मुलाजमीन पुलिस, असम्बली के अहदेदारों समेत मीडिया के नुमाइंदों के कोरोना के दूसरी मरतबा मुआयने करवाए गए, जिस पर रुकन असम्बली 13 मुलाजमीन पुलिस के कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जाफर हुसैन मेराज होम क्वारंटाइन में हैं, साथ ही उन्होंने उनके रबते में आने वाले तमाम लोगों से अपना टेस्ट करवाने की बात कही है और लोगों से उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करने की अपील भी की। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए जाफर हुसैन मेराज की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। हैदराबाद के इलाके याकूतपुरा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने हेल्थ सेक्टर मुलाजमीन की उम्र की हद में इजाफे की तायद करने का ऐलान किया। जनाब स्पीकर साहब, हेल्थ सेक्टर में ये जो हद उम्र मुलाजमीन की में इजाफा किया गया है, MIM पार्टी की तरफ से हम तायद करते हैं। साथ ही साथ आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इंतखाबी मंशूर में तमाम मुलाजमीन के लिए हद उम्र में इजाफे के लिए वादा किया गया था और उन तमाम के लिए अगर इसमें इजाफा किया जाए तो बेहतर होगा। ये सच है कि अब फिलवक्त आप सेहत के मैदान में जो मुलाजमीन उनके हद उम्र में इजाफा किए हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं। साथ ही साथ ये भी याद दिलाते हैं कि आपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था आवाम से कि तमाम मुलाजमीन की भी उम्र में इजाफा, सर्विस की उम्र में इजाफा होगा। हम आपसे यही मुतालबा करते हैं और इसकी तायद करते हैं, शुक्रिया। MIM MLA अहमद पाशा कादरी ने तेलंगाना असम्बली में माजूरीन, ओल्ड एज और बेवाओं के लिए पेंशन की इजराई का मुद्दा उठाते हुए हुकूमत तेलंगाना से फौरी जानिब इकदाम करने का मुतालबा किया। ये हुकूमत की तरफ से जो वीडियो पेंशन, ओल्ड एज के, हैंडीकैप के पेंशन जारी किए जाते हैं बहुत सारे मंडलों पे, उसमें बेकायदगी है और कुछ रुके हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि लॉकडाउन के बाद से आवाम बहुत परेशान है माशी तौर पर, उनके लिए ज़रूरी है कि जितने वीडियो पेंशन है और रोलेट पे पेंशन माजूरों के, इनको फौरी जारी करने के लिए अहकाम दिए जाएं। लोग काफ़ी इसके मुंतज़र हैं और कुछ दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा भी है, उसकी तहकीकात करके नए वीडियो के लिए भी जारी करने के अहकाम दिए तो गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से अब तक कुछ मंडल में तकसीम हुए, कुछ मंडल से अभी बाकी है और माजूर लोगों के भी जो वजीफे हैं उसमें भी ताखीर हो रही है। जल्द से जल्द उसको जारी किया जाए तो मैं समझता हूँ कि गरीबों को इसका फ़ायदा होगा और गरीब लोग इससे इस्तेफादा करेंगे, शुक्रिया। मौजूद रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी जो कहे अध्यक्ष, नोट किया गया, बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। MIM रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज रियासती असम्बली में कार्रवाई के दौरान ओल्ड सिटी में पुलिस स्टेशन के तामीराती कामों में हो रही देरी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया, जिस पर होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने जवाब दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे वक्त दिया और इस मौके के ऊपर हमारे होम मिनिस्टर साहब का इस कंट्रोल रूम और पुलिस स्टेशन मेंटेनेंस के और सवाल का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि सईदाबाद, फलकनुमा, संतोष नगर, शाली बंडा, चंद्रायन गुट्टा, वुमन पुलिस स्टेशन, ओल्ड सिटी, नामपल्ली, आसिफ नगर, कुलसुमपुरा, ये तमाम जगह नए पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 80% काम हो गया, सिर्फ 20% काम की वजह से ये पुलिस स्टेशन रुके हुए हैं। मैं आपके ज़रिए उनसे गुजारिश करूँगा कि हुकूमत से बोलकर, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलकर फंड रिलीज कराकर इमीडिएटली ये काम कराए। सैदाबाद पुलिस स्टेशन कंस्ट्रक्शन होने की वजह से रेसिडेंशियल एरिया कम्युनिटी हॉल के अंदर पुलिस स्टेशन शिफ्ट करे, पूरे एरिया के लोगों को उससे तकलीफ हो रही, तो मैं इसका फ़ायदा उठाते आपके ज़रिए हुकूमत से, होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि सिर्फ 20% काम बाकी है स्पीकर साहब, वो जल्द से जल्द फंड रिलीज कर वो पुलिस स्टेशनों का काम मुकम्मल कराएँ ताकि हम जल्द से जल्द उसका इनॉग्रेशन रख सकें। मिनिस्टर अध्यक्ष बलाला साहब ने जो कहा है, अध्यक्षा हमारे आने CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद काफ़ी पुलिस स्टेशनों को जो है मॉडर्नाइज किया अध्यक्षा, और हैदराबाद में भी नए पुलिस स्टेशन भी बन रहे हैं अध्यक्षा। ये जो सईदाबाद,
चांदम्यार, याकूतपुरा और दिगर पुलिस स्टेशन में 70-80% आप जैसा काम बोले हैं हो गया है। ये कोरोना की वजह से थोड़ा पेंडिंग हो रहा अध्यक्ष, पर बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। हैदराबाद के इलाके मलकपेट से MLA अहमद बलाला ने तेलंगाना के नए रेवेन्यू एक्ट में मुख्तलिफ तरामीम कराने की तजवीज़ रखी। उन्होंने सिलसिले में नोटरी के रजिस्ट्रेशन व दिगर अमेंडमेंट की भी बात कही। म्यूनसिपल एडमिशन मिनिस्टर साहब जो बिल पेश करे हैं, इसके अंदर ये परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन परमिशन के लिए, ये आवाम को जो परमिशन के लिए जो तकलीफ़ हो रही है, जो ऑफिसों के चक्रा कर रहे हैं, उससे तमाम को इससे सहूलत मिलेगी, आसानी होगी। और सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंदर उसको खुद ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट जो भी वो पेश कर रहा है वो सही है। अगर से वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो विदाउट नोटिस आप उसको डिसमेंडल करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इसके अंदर साथ ही साथ चाहे डॉक्यूमेंट कोई भी हो, चाहे डॉक्यूमेंट कोई भी हो, अगर से किसी के पास पुराने लिंक डॉक्यूमेंट्स नहीं है या वो सेटिस्फाइड है और वो एफिडेविट के जरिए आपको ऑनलाइन में ये बोल रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी क्लियर है, इवन विद द नोटरी डॉक्यूमेंट, अगर वो नोटरी को कोई बाद में चैलेंज करता है तो वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, यू कैन टेक एक्शन। अगर नोटरी उसका जीनियन है और उसको गरीब आदमी है, रेजिडेंशियल के लिए अगर से वो अप्लाई करता है तो उसको भी आप कंसिडर करने का उसके अंदर प्रोविजन रखिए, ताकि या वन टाइम, जैसा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नोटराइज डॉक्यूमेंट को भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक प्लान बनाएंगे उसके तरीके, ताकि ये परमिशनों के अंदर इन लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले जो है ना ये ओनली इंटीमेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 100 गज तक था, 75 गज करें आप उसको, कम से कम 25 मीटर में उसको भी मीटर में कर दो आप। तेलंगाना की एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी की जानिब से 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लेकर पेश किए गए बिल पर MIM MLA मौजम खान ने कहा कि हम इस बिल की तायीद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बिल के बारे में मुख्तलिफ सवाल भी किए। जो आज जो बिल पेश की गई थी 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उस बिल की हम तायीद करते हैं। और कुछ सवालात हैं स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हमारे मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूँ। एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स की तहती ये 5 यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट परमिशन के लिए डाले हैं चल रहे हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स के अंदर जो रिज़र्वेशन होता है SC ST और BC के तहत, क्या उसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दिया जाएगा जैसा लेक्चरर्स है? लेक्चरर्स के अंदर जो कैटेगरीज रहते हैं, लेक्चरर्स को किस तरीके से अपॉइंटेड करना चाहिए? SC कैटेगरी में होना चाहिए, BC कैटेगरी में होना चाहिए, ST कैटेगरी में होना चाहिए? क्या उसी तहत ही ये 5 यूनिवर्सिटीज़ को आप परमिशन दे रहे हैं एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की नॉर्म्स के तहत ही? ये सवालात मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू। संगारेड्डी से कांग्रेस MLA जग्गा रेड्डी ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जगह जगह फोटो खींचकर चालान करने को गलत करार देते हुए कहा कि ऐसे चालानात का सबसे ज्यादा शिकार ऑटो चलाने वाले हो रहे हैं। देख ले सकते ना, खाली फोटो उतार रहे, उसके ऊपर आ रहा, जब भी देखना पड़ रहा, इसीलिए KGR साहब, होम मिनिस्टर साहब, इमीडिएटली ये फोटो उतारने का बंद करो। ये जो पब्लिक के ऊपर ये चालानों के जो ऊपर गिर रहा, मेन ऑटो वालों का कितना तकलीफ रहता जी, उन्हें सुबह में 4 बजे शुरू करता, 12 बजे बंद करता हूँ। अभी ये टाइम तो पब्लिक इतना एक्सीड रहे ऑटो, अब उन्हें डेली 500 का में तो चालन गिर तो 2000 चले जा रहा, अब उल्टा उन्हें डालने का बनना पड़ रहा। ये मुसीबत ऑटो वाले बहुत परेशान में है, पूरा स्टेट में, हैदराबाद बोल के पूरा तमाम स्टेट में परेशान में उधर ऑटो वाले, ये 2-व्हीलर व्हीकल्स एंड कार्स भी, इसलिए ये पूरा जो गलती हो रहा गवर्नमेंट के तरफ से, वो गलती को रोक दीजिए। होम मिनिस्टर साहब, CM साहब, फौरन ये चालान फोटो उतारना, चालान बनने का बंद कर दिए, पुलिस वालों से कंट्रोल करो। अजीम तरबलदिया, वरंगल के इलेक्शन को चंद ही महीने बाकी रह गए हैं, ऐसे में इंतखाबी सरगर्मियां यहां उरूज पर पहुंच गई है। TRS और कांग्रेस कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई है। साबिक में TRS से MLA रहने वाली और मौजूदा कांग्रेस लीडर कोंडा सुरेखा ने अपनी सियासी सरगर्मियां बढ़ाते हुए TRS को परेशान किया है। दूसरी जानिब TRS के उम्मीदवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोंडा सुरेखा पर लफ्जों के तीर चलाए। కొండా సురేఖ గారి భర్త అయిన కొండా మురళీధర్ రావు గారు తన గుండా ఇదాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఒక
మైనారిటీ పట్ల మొత్తం ముస్లిం సమాజం పట్ల మాట్లాడిన మాటలు ఇక్కడ వరంగల్ చూసి నియోజకవర్గం ఏ ముస్లిం కూడా మర్చిపోలేదు. ఇవాళ ఎక్కడైతే పోగొట్టుకున్నామో అక్కడనే వెతుకుందామని తీరుగా ఒక మైనార్టీని ఒక టోపీ తొడిగించి ఒక ఐదు పూటల నమాజ్ అంటే నమాజ్ జలం తీసుకొచ్చి నువ్వు ఏదో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేర్పించుకుని మైనార్టీ పక్షంలో మాట్లాడుతా ఉన్నావు. ఇవాళ ఏమంటున్నావు అంటే షాదీ మైనార్టీ ప్రాణాలకు ప్రతి కాడ కూడా అడ్డుగోడంగా నిలిచింది కొండ సురేఖ గారు. ఇవాళ ఏమో మా మైనార్టీ అంటే మాకు అమితమైన ప్రేమ, అక్కడ ఉన్న నాయకులు కూడా మాట్లాడడం మొత్తం మైనార్టీ సమాజం మొత్తం ఉందట. ఇవాళ ఎంత దారుణం అంటే జాతిని తిట్టిన వ్యక్తి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ ముఖం పెట్టుకుని వచ్చింది. మళ్ళీ వారు నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా మేము ఈ యొక్క నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రంగాల్లో కూడా మేమున్నప్పుడు అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. అప్పుడు మేము తెచ్చిన నిధులు తప్పితే ఆ తర్వాత ఒక్క రూపాయి నిధులు కూడా ఎవరు కూడా తీసుకురాలేదు. మరి ఆ రోజు మేము వేసిన రోడ్లనే మిషన్ భగీరథ పేరిట మరి అంతా తవ్వి నాశనం చేశారు. అంతే తప్పితే మరి ఎక్కడ కూడా ఒక రోడ్డు వేసిన పాపాన పోలేదు. మరి మమ్మల్ని నమ్మించి చిట్ట చివరికి ఎలక్షన్ల సమయంలో టికెట్ ఇవ్వకుండా మరి మోసం చేయడం వలన కేవలం నాయకులు ఈరోజు కడుపులు నింపుకొని జేబులు నింపుకొని ప్రజలను మోసం చేస్తూ మరి నమ్మిన ఎవరైతే కార్యకర్తలు ఉన్నారో మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ కోసం పనిచేసిన వాళ్ళు వాళ్ళను కూడా ఈరోజు విస్మరించి కేవలం ముఖ్య నాయకులు ముఖ్య మరి పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈరోజు వాళ్ళ యొక్క హబ్బం గడుపుకుంటా ఉన్నారు. బులెటిన్ మే ఖబరో కా సిల్సిలా లగాతార్ యూ హీ జారీ రహేగా. ఫిల్హాల్ రుక్తే హై ఏక్ ఛోటే సే బ్రేక్ కే లియే.